लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बाराबंकी के हैदरगढ़ के बचरावा तिराहे पर नशे में धुत एक सिपाही ने घंटों जमकर हंगामा किया। सिपाही नशे की हालत में तिराहे पर लोट लगा रहा था, जैसे तैसे वह हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और हंगामा करने लगा। हालांकि उसने वर्दी नहीं पहन रखी थी, केवल गाड़ी पर पुलिस का होलोग्राम लगा हुआ था। सड़क पर लोट लगा रहा यह शख्स पुलिस विभाग में पदस्थ है, जिसका नाम अजय श्रीवास्तव है। इसकी गाड़ी पर लगे पुलिस होलोग्राम से यह पता चला कि यह पुलिस जवान है। हंगामे की शुरुआत पुलिस जवान अजय श्रीवास्तव ने हाथ में जूता उठाकर गंदी गंदी गालियों के उपयोग से की। इससे वहां खड़ी महिलाएं खुद को असहज महसूस करने लगी। सामान्य आदमी हो तो उसे समझाए भी, यहां लोगों को डर था कि समझाने गए तो जवान के हाथ में जो जूता है वह हमें नहीं पड़ने लगे, लेने के देने ना पड़ जाए। इस डर से किसी ने आपत्ति भी नहीं ली और जवान की गाली गलौज का यह कार्यक्रम घंटों तक चलता रहा। हालांकि ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि जवान सभी को गालियां क्यों दे रहा था, लेकिन पुलिस जवान की इस हरकत से सभी सहम जरूर गए थे। इसी बीच एक आदमी आता है, वहां से लोगों को डपट कर भगाता है। हंगामा करने वाले जवान अजय ने खुद को रायबरेली में तैनात सिपाही बताया। ड्रामे के बाद अजय अपनी मोटरसाइकिल UP 44L 6395 पर बैठकर लोगों को गालियां देते हुए रवाना हो गया। बहरहाल ऐसे ही पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई देने की जरूरत है, जो दारू ज्यादा पीकर बहक जाते हैं और रोड पर चलने वालों को गंदी गंदी गालियां देते हैं। बाराबंकी से ब्रजेश सिंह की रिपोर्ट। बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।